हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जय माता की, जय जगदम्बा। नवरात्र की मंगल में शुभकामना। एक प्रश्न है, नवरात्र में हम या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, गृह प्रवेश हो गया, कोई भी शुभ कार्य करें तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना क्यों करते हैं? कलश का आखिर इतना महत्व क्या है? इतना व्यापक महत्व कलश का क्या है कि हर शुभ कार्य के पहले कलश की स्थापना करते हैं? तो कलश की स्थापना को बहुत व्यापक महत्व है। ब्रह्मांड का प्रतीक है ये, विराट विश्व का प्रतीक है ये, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, शांति और शक्ति की एक रूपता समरूपता का प्रतीक है, सृजन का संदेश वाहक है। इस कलश में क्या करते हैं, सभी देवी देवताओं को हम आवाहित करते हैं। कलश रूपी पिंड या कलश रूपी ब्रह्मांड में सभी जो मूलभूत देवी देवता हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो वेद हैं, जो गायत्री हैं, सावित्री हैं, जो भी संसार के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, उनको हम इस कलश में स्थापित करते हैं, उनको हम स्थान देते हैं। मुख में विष्णु का स्थान है, कंठ में रुद्र का स्थान है, और मूल माने जड़ में, कलश के जड़ में ब्रह्मा जो सृजन का कार्य करते हैं उनका स्थान है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में कौन है? भगवान विष्णु है। कंठे रुद्र समाश्रितः कंठ में भगवान शिव स्वतः विराजमान होते हैं। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा देव विद्यमान है, और समस्त जो शक्तियां हैं वो इस कलश में आके बैठती हैं। वेद हों, मातृ शक्तियां हों, गायत्री हों, जितनी भी शक्तियां हैं। तो एक हमारे ऋषियों ने क्या किया कि एक छोटे से लोटे के पानी में सभी देवताओं को बैठाया, स्थान दिया, वेदों को स्थान दिया, समुद्र को स्थान दिया, समस्त नदियों को आश्रय दिया, गायत्री सावित्री की स्थापना, शांति के लिए शक्ति की स्थापना, सृजन के लिए देवियों की आवाहन, देवों की स्थापना। तो समस्त विश्व को एकता के सूत्र में पिरोकर बिंदु से सिंधु तक का दर्शन जो करवाता है वो कलश है। जो पिंड से ब्रह्मांड की बात करता है वो कलश है। जो आत्मा से परमात्मा तक की बात करता है वो कलश है। एक ही केंद्र में समस्त देवी देवताओं को देखने की जो विधि है वो कलश है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका बराबर रोल है, ये कलश हमें बताता है। शास्त्रकारों की बात माने तो कलश की पूजा मात्र से सभी देवी देवता, सभी शक्तियां एक साथ प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्नता उनका हमें किस तरह फल देता है कि वो प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ कर्म को, अनुष्ठान कर्म को सुचारू रूप से चलाने की शक्ति हमें देती हैं। ये कलश स्थापना का महत्व है। कलश का जल कहता है, कलश आप लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले जल डाला जाता है। तो कलश का जल कहता है कि हमारा मन शीतल हो, हमारा मन स्वच्छ हो, हमारा मन निर्मल हो, हमारे शरीर रूपी जो पात्र है उसमें श्रद्धा, संवेदना, करुणा, तरलता, सरलता सदा प्रवाहित होती रहे, लबालब भरे रहे, मानवता हमारे अंदर विद्यमान रहे। इसमें क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, तृष्णा इत्यादि का भी पुष्पित पल्लवित ना हो। अगर पुष्पित पल्लवित भी होती हैं तो इस जल की शीतलता से वो शीतल हो जाए और इसमें घुल मिल जाए, माने इसी में तिरोहित हो जाए। ये इस जल का महत्व है। हम कलश के ऊपर आम्र पत्र रखते हैं, आम का पत्ता रखते हैं, अक्षत रखते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो वो होता है अक्षत। आम्र पत्र जो होता है वो हमें दर्शाता है, बतलाता है कि परमात्मा यहाँ पे अवतरित हो चुके हैं, परमात्मा सूक्ष्म रूप से यहाँ पे विराजमान है, परमात्मा की शक्तियां आपके कार्य को निर्विघ्न रूप से करने के लिए उपस्थित हो चुकी हैं। अब वो परमात्मा की शक्तियां आपको अक्षत रखेंगी, आपको अविनाशी रखेंगी, और आपकी आत्मा को या आपके जो पंच तत्व की प्रकृति है उसको शुद्ध रखेंगी, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगी या दिव्यता धारण करने की स्थिति में पहुंचाएंगी। आम्रपत्र के समान
आपकी आत्मा सदैव हरी हरी रहे, हरियाली युक्त रहे, मतलब सुखमय रहे। तो आम्रपत्र जैसा आपका जीवन रहे, जब तक जल में आप रहेंगे सदैव हरे भरे रहेंगे। आप पेड़ से टूट गए हैं तब भी परमात्मा के शरण में आप रहेंगे, आप हरे भरे रहेंगे। आप संसार में रहते हुए परमात्मा के सन्निकट बने रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। अक्षत आपका क्षत नहीं हो सकता, आपकी आत्मा का क्षत नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम दूर्वा रखते हैं। दूर्वा अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता है। दूब को क्या करिए, आप निकाल के जमीन से रख दीजिए, सूख जाने दीजिए, फिर उसी सूखी दूर्वा को जमीन में आप लगा दीजिए, पानी डाल दीजिए, दूर्वा पुष्पित पल्लवित हो जाएगी। तो दूर्वा आपकी इस भावना को दर्शाती है कि आप में शुद्धता होगी, दूर्वा के समान जीवन शक्ति होगी, आप रोग से कभी हारेंगे नहीं, समस्याओं से कभी हारेंगे नहीं। कुशा कुश जैसी प्रखरता, कुश जैसा तेज, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है वो कुश जैसा हो, उसमें इतनी दिव्यता हो, इतनी तेजस्विता हो। सुपारी के समान, हम सुपारी भी चढ़ाते हैं भगवान को, तो सुपारी के समान आपके अंदर गुण हो, आपके अंदर स्थिरता हो। हम कलश के पे एक माला चढ़ाते हैं, कलश पे पुष्प चढ़ाते हैं, ये हमें दर्शाता है कि पुष्पों जैसी सरलता, पुष्पों जैसी मोहकता, पुष्पों जैसी स्निग्धता, पुष्पों जैसा प्रेम उल्लास हमारे जीवन में बना रहे, पूरा जीवन हमारा प्रेममय हो, पूरा जीवन हमारा। पुष्पों को देखिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तनाव नहीं, जो भी आता है उसको सुगंध बांटते हैं। तो आपका जीवन भी ऐसा हो, जो भी आपके पास आए उसको प्रेम बांटें, आप उल्लास बांटें। इस भावना के साथ हम पुष्प और पुष्पमाला कलश पे स्थापित करते हैं। द्रव्य कलश में द्रव्य डाला जाता है। द्रव्य इस चीज का सूचक है कि हमारे अंदर ऐसे गुण विद्यमान हों कि हम सर्वग्राही हों। द्रव्य को कौन लेना नहीं चाहता, पैसा इस दुनिया में किसको अच्छा नहीं लगता, किसी के पास कितना भी पैसा हो लेकिन उससे पूछो पैसा और चाहिए तो न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य, पैसे से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो पैसे जैसे आपके अंदर गुण धर्म पैदा हो, सर्वग्राही गुण पैदा हो, ये कलश में द्रव्य डालने का अर्थ होता है। स्वास्थ्य चार अवस्थाओं का प्रतीक होता है, बच्चे का माने बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये प्रतीक हैं कि हमारे हमारा जीवन चार अवस्थाओं में है, लेकिन चारों अवस्थाओं को समान रूप से हमें देखना है, न तो कोई छोटी है न कोई बड़ी है। स्वास्थ्य की चारों लाइनें बराबर होती हैं आपस में, चारों का बराबर महात्म है, महत्व है। उसी तरह हमारे जीवन के हर पल का महात्म है, हर जीवन के चार खंड हैं उन खंडों का महत्व है। कलश के ऊपर हम सबसे ऊपर रखते हैं श्रीफल नारियल। नारियल पूर्ण फल है, नारियल को श्रीफल कहा जाता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक है, नारियल गणेश जी का प्रतीक है। तो आपके घर में नारियल, अगर आप कलश पे नारियल रख रहे हैं तो आपके आपके लिए जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, गणेश जी रहेंगे तो रिद्धि सिद्धि साथ रहेंगी। तो कलश स्थापना का तात्पर्य है कि आप समस्त शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं, अब वो शक्तियां आपके कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगी। जिस भी उद्देश्य के तहत आपने अनुष्ठान किया है वो अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। अब ये जिम्मेदारी विश्व के समस्त शक्तियों की है। भगवान विष्णु को आपने स्थित कर दिया, रुद्र भगवान को कर दिया, और इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाले चलाने वाले ब्रह्मा जी को आपने वहां पे स्थापित कर दिया, वेदों को स्थापित कर दिया, समस्त शक्तियों को स्थापित कर दिया, रिद्धि सिद्धि गायत्री सावित्री जितनी पवित्र नदियां हैं समुद्र हैं सबको स्थापित कर दिया। तो समन्वय की भावना का प्रतीक है कलश। कलश क्या है, समन्वय की भावना का प्रतीक है। उसके अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं है, कलश के अंदर जो डाला गया है ये डालने वाले को पता है। उसी तरह आपका जो जीवन है, आपके अंदर कितने गुण हैं, ये वही जान सकता है जब कोई उसके अंदर उतरना चाहेगा। तो ये बोध कराता है कि आपका जीवन कलश जैसा हो। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में जब भी कभी पूजा पाठ होती है, अभी नवरात्र चल रही है तो नवरात्र में हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश का तात्पर्य है पूर्णता, आपका काम पूर्णता को प्राप्त हो, इसलिए कलश की स्थापना की जाती है। तो ये थी कलश के बारे में छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। कलश में हम स्थापित करते हैं तो जौ होते हैं, चारों तरफ जो बोते हैं, कहीं कहीं ज्वार अलग से बोते हैं। तो ज्वार का क्या महत्व है, हम ज्वार क्यों बोते हैं, और ज्वार से
भविष्य क्या जान सकते हैं। तब तक अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए जय माता की, जय जगदम्ब, हर हर।